हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं, यही देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यह हमारे पास आया है सिज़ोफ्रेनिया, अवेयरनेस, हीलिंग, द ड्रीम एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन के बारे में आप सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं जो इंसान प्यार के नाम से ही डरते हैं। इस पर्सन के दिल में प्यार को लेकर काफ़ी डर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई इंसान इस इंसान से प्यार नहीं कर सकता, और अगर कोई इंसान इससे प्यार की उम्मीद रखता है ना तो भी ये पर्सन उससे दूरी बना लेते हैं। और आपके केस में भी ऐसा ही हो रहा है। जितना आप इस पर्सन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन आपसे उतना ही दूर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से जितना प्यार करते हैं इसकी तरफ से वो रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद आप इस पर्सन से कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो हैं, बट वो फीलिंग्स का इजहार इस पर्सन ने अभी तक आपसे नहीं किया है। क्योंकि इस पर्सन के दिल में जो डर है ना प्यार को लेकर के, वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन इतना अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर, इंसानों को लेकर। तो इस पर्सन की जो समझ है ना इंसानों को लेकर बहुत ही कम है, तो ये पर्सन ठीक से इंसानों को जान नहीं पाते हैं। इसलिए आपको भी जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं बट अभी तक जान नहीं पाए हैं कि आखिर आपके दिल में क्या है और आप किस तरह के इंसान हैं। और एक चीज़ जो इस पर्सन में मुझे नज़र आ रही है वो इस पर्सन की हीलिंग को लेकर है। इस पर्सन की अभी हीलिंग स्टार्ट ही हुई है, इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होना स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये पर्सन आपको जानने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स अभी आनी स्टार्ट हुई हैं ना वो रिसेंटली ही आनी स्टार्ट हुई हैं। पास्ट में ये पर्सन प्यार से दूर भागते थे। इस पर्सन ने हमेशा ही ना अपने दिमाग की ज़्यादा सुनी है दिल के मुकाबले में, और जब इस पर्सन ने कभी दिल की सुनी नहीं तो इस पर्सन को कभी किसी से ट्रू लव भी नहीं हुआ। इसीलिए इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद ये कभी भी किसी से ट्रू लव नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ ड्रीम्स भी आते हैं आपको लेकर। इस पर्सन ने कोई ना कोई ऐसा ड्रीम ज़रूर देखा है जो इस पर्सन के दिल में ही है बात, ये आपको बताने का सोचते हैं बट बताते नहीं कभी। तो लगातार इस पर्सन को ऐसे सपने आ रहे हैं जिस सपने में ये आपको अपने साथ देखते हैं। इस पर्सन को ऐसी इंट्यूशंस मिल रही हैं, कुछ एंजल्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं जिन्हें देखकर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बने हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो यहाँ पर ये पर्सन ऐसा मानने लगे हैं कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं। तो ये पर्सन जब इस बात को मानने लगे हैं तो ये आपको जानने की कोशिश भी करने लगे हैं। और आपने भी ये बात नोटिस की होगी इस पर्सन की कि ये आपको आजमा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, और कोई ना कोई ऐसी बात करके जिसके बारे में ये आपकी राय लेते रहते हैं। और ये पर्सन आपके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं प्यार को लेकर, आप किस तरह से फील करते हैं। अगर आपको किसी से प्यार हुआ तो आप उस इंसान के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे, और आप अपने प्यार को पाने के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं। क्या आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा सकते हैं? क्या आप इस पर्सन के साथ भागकर शादी कर सकते हैं? क्या आप अपने प्यार को हासिल करने के लिए दुनिया से लड़ जाने के लिए रेडी हैं? क्या आप और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, कोई थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को छीनने की कोशिश की, तो क्या आप उस इंसान से लड़ जाने के लिए तैयार रहेंगे? क्या आप इस पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी रहेंगे जिसे आप प्यार करते हैं? तो ये सारी चीज़ें ये जानने की कोशिश करते होंगे आपसे, क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हैं। ये पर्सन आपसे अभी अभी प्यार करना स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो आ गई हैं, ये आपसे प्यार भी करने लगे हैं, बट ये नेक्स्ट स्टेप तब तक नहीं लेंगे, तब तक अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करेंगे आपसे जब तक ये सारी चीज़ें जान नहीं लेते कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हैं, ये आपके दिल में इस पर्सन के लिए क्या है, और प्यार को लेकर आपकी सोच, आपके थॉट्स क्या हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन लगातार आपसे ये जानने की कोशिश करते होंगे कि व्यूअर्स, तो प्यार को लेके ये सारी सोच और ये सारे थॉट्स आप दोनों के भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही सोचते हैं प्यार को लेकर, और प्यार को लेकर इस पर्सन की सोच जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन प्यार को लेकर क्या सोचते हैं और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ये पर्सन पास्ट में प्यार से काफ़ी डरते थे, प्यार में
गिरफ्तार होने से डरते थे। इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर था कि ज़्यादातर लोग प्यार में बेवफाई करते हैं। ये डर इस पर्सन को प्यार करने से रोकता था। इस पर्सन के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स भी आती थी, तो ये उस फीलिंग्स से भागने की कोशिश करते थे। बट इस बार इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बने हैं और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से प्यार करने लगे हैं, और आपका प्यार देखकर इस पर्सन के मन में भी कुछ फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई हैं और ये पर्सन भी आपसे प्यार करने लगे हैं। तो जो हमारा टाइटल ही था ना कि क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो हाँ डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है, प्यार वाली फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। बट हाँ ये नहीं कह सकते कि ये बेइंतहा प्यार करने लगे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। बट हाँ इस पर्सन के दिल में प्यार की फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, ये आपसे प्यार करने लगे हैं, इसीलिए ये आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, प्यार को लेकर आपकी राय क्या है। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है आपको इस रीडिंग से, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।